हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रिपल आईटी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग आए हैं सत्यम सर से मिलने, जिन्होंने थर्ड ईयर में ही 1.2 करोड़ का पैकेज क्रैक किए हैं। तो आज हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, प्लस कब से कोडिंग कर रहे थे और इनके पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानेंगे कि सिंगापुर का एक्सपीरियंस कैसा था, ये सब। तो वीडियो में बने रहो, एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले सर, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और इंट्रो दे दीजिए। मेरा नाम सत्यम शर्मा है और करेंटली आई एम परसुइंग बीटेक इन ईसीए डिसिप्लिन फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो एक्चुअली स्कूल लाइफ से भी रिलेटेड बताना है। मेरा स्कूलिंग हुआ है, हम भागलपुर बिहार से बिलोंग करते हैं। मेरा स्कूलिंग आईसीएसई बोर्ड माउंटेसी स्कूल से हुआ है, फिर 11-12 कोटा से हुआ है, फिर ट्रिपल आईटी जबलपुर। तो यही है, उस बीच में मेरा स्टार्ट हुआ था कोडिंग और साइबर। सर, तो साइबर सिक्योरिटी का मोटिवेशन आपसे कहाँ से आया? एक्चुअली कोटा 11-12 में जब थे तो उसके बाद हम फर्स्ट टाइम ट्रिपल आईटी गुवाहाटी गए थे। उसके बाद हम पार्शल ड्रॉप लेके यहाँ पे आए। तो ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में जब थे हम, तो एक सीनियर थे मेरे फोर्थ ईयर, जिसमें फर्स्ट ईयर में थे वो फोर्थ ईयर में थे, तो उनसे एक इंस्पिरेशन आया था, वो गाइड किए थे। उसके बाद फिर पार्शल ड्रॉप लेते हैं। तो सर, जैसे कि उस टाइम सारे लोग कोडिंग डीएसए ये सब पे फोकस कर रहे थे, वेब पे ज्यादा दौड़ लग रही थी, तो आपको सर डर नहीं लगता था कि हम कैसे साइबर सिक्योरिटी में चले जाएं? जब भी हम इंटरनेट पे जब मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में सर्च करता हूँ, तो ये पाता हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर आप एक्सपर्ट हो तो आपको जॉब मिल जाएंगे, डोंट वरी। बट अगर कम मीडियम लेवल के लोगों के लिए जॉब नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, तो इस चीज की आपको कभी डर नहीं लगा? देखो, एक्चुअली हम अपना एक बैकअप बना के चले थे, ठीक है, और मेरा बचपन से ही गेम था मेरा यूपीएससी करने का। और जिस समय ट्रिपल आई टी गुवाहाटी में, तो उसमें बैकअप था डीएसए की अच्छे से। तो एस डी का हम उसमें सोचते थे कुछ भी एक जॉब लग जाए 10-12 लाख-13 लाख का। उस समय 12 लाख, मतलब 2019 में 12 लाख ठीक ठाक पैकेज था, 12-14 लाख। तो सोचते थे एस डी प्रोफाइल में ही कुछ लग जाए। फिर हमको डीएसए अच्छे से किए हैं और अपना सी एस फंडामेंटल अच्छे से किए हैं। फिर जैसे जैसे साइबर में घुसे, इंटरेस्ट जगने लगा। तो फिर हम सोचे, जब इसका मेरा एक बैकअप है ही और दूसरा बैकअप था मेरा यूपीएससी का प्रिपरेशन, स्टेट बीसीएस का प्रिपरेशन, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिपरेशन, तो उसमें साइबर में करने में मन लगने लगा। और सर्टिफिकेशंस देखो, एक्चुअली बात क्या है कि साइबर सिक्योरिटी बहुत ही अंडररेटेड हो गया है अभी, ठीक है। इंडिया में भले ही उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट फॉरन में बहुत अपॉर्चुनिटी है और हर समय ओपनिंग रहता है एक फॉरन में साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो वही उसको टारगेटेड सिस्टम पे हम करते रहे काम और पढ़ाई किए, मेहनत किए। और सर, जैसे साइबर सिक्योरिटी में ये कितना सच है कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब सिक्योरिटी नहीं है? नहीं, ये बात तो गलत है। साइबर सिक्योरिटी में जॉब सिक्योरिटी भी है, साइबर सिक्योरिटी में पैसा भी है। साइबर सिक्योरिटी तुमको एक्चुअली बहुत कुछ सिखा भी देता है। साइबर सिक्योरिटी एक तरह से समझो जैसे तुम फिजिकल वर्ल्ड में भी जी रहे हो, जितना इनसिक्योरिटीज है, वल्नरेबिलिटीज है, जितना भी तुम्हारे लाइफ में है, ठीक है, तो उसको जैसे झेल रहे हो या फिर तुम किसी और के ऊपर डाल रहे हो, वो चीज़ हम लोग देख पाते हैं अपने डिवाइस वाली चीज में, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी बहुत है, बस ये कि तुमको ढूंढना है, अपना करेक्ट पाथवे रखना है और ढूंढना है को क्या करना है। तो बल्क बाउंटी पे जाओगे, उसमें भी बहुत पैसा है। जब हम स्टार्ट किए थे तो समय बल्क बाउंटी की तरफ उतना नाम नहीं थे, जैसे साइबर सिक्योरिटी में होता है वेब ऐप होता है, सर्वर होता है, क्लाउड आई ओ टी हर चीज़ का साइबर सिक्योरिटी होता है। तो बेसिकली मेरा मेजर है सर्वर साइबर सिक्योरिटी, तो उस एंड में जाके प्लेसमेंट लिए हैं। वेब ऐप में रहते ज़्यादा तो बल्क बाउंटी करते ज़्यादा। हम लोग तो जनरली देखते हैं तो हमें साइबर सिक्योरिटी मतलब ये समझ आता है हैक करना या फिर बग बॉन्डिंग। जैसे मैंने देखा था एक ट्रिपल आई टी मनीपुर का कोई लड़का था बिहार का, उस टाइम रूमर फैला था, गूगल हैक कर दिया। बाद में पता लगा, अब हमें समझ में आ रही नहीं, वो बग ढूंढा था गूगल। वो एक्चुअली एक बग था, वो सर्वर शट डाउन कर दिया था वो कुछ सेकंड के लिए गूगल का, तो वो बग आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट किया था। सर, तो अब थोड़ा चलते हैं, अगर सिंगापुर में आपका जॉब, सिंगापुर में जैसे जानते हैं, तो वहाँ पे सिंगापुर कैसी है, इंडिया से कितना अलग है और कैसा आप इंडिया करें? इंडिया से बहुत अलग है सिंगापुर। सिंगापुर एक चीज़ है, मतलब वो वहाँ जो डेवलपमेंट है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है, वहाँ सब कुछ है। मतलब लाइक अपना इंडिया में कल्चर है, अपने इंडिया में ऑब्वियसली बात है इंडिया इज बेस्ट, बट आफ्टर ऑल तुम एक्सपोजर ढूंढना चाहोगे, तो तुम अगर जाते हो कभी भी फॉरेन, कहीं भी चले जाते हो, तो वहाँ तुमको एक एक्सपोजर मिलता है। और सिंगापुर ये सब सेंस में तुमको बहुत एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, और डेवलपमेंट तो नो डाउट सिंगापुर का क्या है वो सब जानते हैं। बट इंडिया तो आप मिस करते ही होंगे, सिंगापुर जाते होंगे तो, और इंडिया मिस करते हैं, तो आ यहाँ पे जब फ्लाइट पे बैठते होंगे तो फिर पहले बार देखते होंगे। इंडिया मिस करने वाला चीज़ है, इंडिया से दिल में है, क्योंकि सर जैसे फॉरन से भी जो इंडिया में जॉब करके बहुत पैसे देते हैं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 80-90 बिलियन हर साल जो बाहर कमाते हैं, बहुत लाख इंडिया में रहते हैं, तो ये तो एक इंडिया के लिए अच्छी बात है। बट लेकिन ये बात हो जाता है ना कि जैसे अभी हम लोग इंडिया
मतलब इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं काम करने, तो हम लोग काम अपने इंडिया के लिए तो नहीं कर रहे हैं, ये तो ट्रुथ यूनिवर्सल ट्रुथ है, हम लोग काम तो वहीं के लिए कर रहे हैं। तो बस वो एक चीज़ है, खटकता है मन में, तो एक अपॉर्चुनिटी रहना चाहिए अपने इंडिया में भी ना, एक ऐसा करेक्ट देखो अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कंपनीज नहीं है, कंपनी सब इंडिया में ही है, बस ये है कि लोग पैसा के पीछे भागते हैं, ये फैक्ट है, कोई भी आदमी जो है वो पैसा के पीछे भाग गया कि मेरा अच्छा प्लेसमेंट लगे, ये लगे वो लगे, तो वही सीन है इंडिया के बाहर अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो पैसा है। और सर बड़ी बात है कि पैसे जरूरी भी तो है ना लाइफ में, आप कितना टाइम तक सेटिस्फाई कर सकते हैं, अगर आप सिंगापुर चले गए तो जो इंडिया में आपसे थोड़े से कम नॉलेज होंगे या फिर आपके ही नॉलेज होंगे जो वो कंपनी में नहीं लगे, तो इंडिया में आप जगह पे सर्व करेंगे, और इंडिया में तो वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो ये तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, प्लस देखो फ्रीलांसिंग आप साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग ही काइंड ऑफ वर्क बाउंड्री ये सब एक चीज से फ्रीलांसिंग ही है, तुम कर सकते हो कमा सकते हो, लेकिन तुम अपने देश को क्या दे रहे हो ये करके, ठीक है, ये तो है नहीं कि हम टैक्स अपना दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, तुम सोशली क्या दे पा रहे हो अपने देश को, तो एक सोशल अवेयरनेस फैलाना चाहिए इस चीज़ से रिगार्डिंग, जिस तरह से अभी इंडिया में चल रहा है, इंडिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है साइबर क्राइम से रिलेटेड, जो अभी स्कैमिंग चल रहा है इंडिया में, जनता पे हुआ है, फिर कोलकाता का स्कैम अभी बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है, ऐसे स्कैमर लोग अपना एक कॉल सेंटर बना के स्कैम कर रहे हैं, ये सब चीज़ पर एक सोशल अवेयरनेस फैलाना चाहिए, और इंडियन नो डाउट इंडियन लोग के अंदर जितना टैलेंट है वो दिखता है, तुम बाहर कहीं भी जाओगे मेरी कंपनी में आओ या फिर किसी भी कंपनी में तुम जब बाहर जाओगे देखोगे वहाँ पे बहुत इंडियंस हैं। सर चलिए ये मैटर से आगे बढ़ते हैं, मैं ये बता रहा हूँ अगर आप साइबर सिक्योरिटी में है तो यहाँ से आपको कोई चीट नहीं कर सकती, आप गर्लफ्रेंड के तुम वाले से ही हैक कर लेंगे, और प्लस आप अपने दुश्मनों पर भी नजर रख सकते हैं, दुश्मन कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचने का देखो ना जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा फंसोगे, ठीक है, और बात रहता है फोन हैक करने का ये वो करने का, तो सब कुछ पॉसिबल है और बहुत इजीली पॉसिबल है, ठीक है, लोग हैकर्स जो होते हैं वो अभी यूज़ कर ही रहे हैं, पहले फिशिंग यूज़ करते थे, आजकल नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है वो सब यूज़ कर रहे हैं, तो रैंसम वगैरह सब अपना डालते हैं, अपना वायरस कर देते हैं, कोई अपना एक ऐप बनाते हैं उसमें कुछ डाल देते हैं इंक्रिप्टेड कोड, तो वो यूज़ करोगे फोन तुम्हारा एक्सेस कर जाएगा, और दूसरा बात कि तुम ऐसे गर्लफ्रेंड को बोल रहे हो, देखो वो अलग चीज़ होता है, ठीक है, तुम्हारे मन में एक अगर फेथ है अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, तो तभी भी ये चीज़ नहीं सोचोगे अपने गर्लफ्रेंड का फोन हैक करके हम हमेशा नजर रखते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आप पर डिफेंड करें, बट सर सेफ तो कर, अगर मुझे नेक्स्ट पर्सन का मुंह पता है कि वो क्या हमारे बारे में सोच रहा है तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए, और हर कोई जानता है सिक्योरिटी की हाँ वो हमारे बारे में क्या सोचता है, देखो ईजिली कुछ भी कोई तुम्हारे बारे में नहीं कर सकता है, समझ लो ईजिली जो है तुम्हारे डिवाइस से रिलेटेड कोई गलत काम नहीं कर सकता है, अब अगर किसी के पास इतना ही नॉलेज है कोई एकदम अल्टीमेट हैकर बैठा हुआ है तो तुम अपने डिवाइस को कुछ भी कर लो, लपेटी ले कैसे ना कैसे करके, फिर अब जैसे मेरा सीन है, तो मेरा सीन ये है कि हम अपने डिवाइस को इतना प्रोटेक्शन दिए हुए हैं कि ऐसा हमको लगता है कि अब कोई अल्टीमेट हैकर आ गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि वो मेरे डिवाइस को नहीं पेनिट्रेट कर सकता है। तो अगर हम आईफोन हैक करना चाहें तो सर आईफोन में ऐसा क्या नहीं हो सकता, देखो आईफोन में ऐसा बहुत कुछ है जो हैक ईजिली नहीं हो सकता है, ठीक है, ईजिली पेनिट्रेट नहीं हो सकता है, अब अगर यूजर रहा कोई बेवकूफ जिसके हाथ में आईफोन पकड़ा दो तो फिर तुम्हारा फोन चला जाएगा, फोन जा सकते थे वो सेम तरीका है, तुम वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तुम पब्लिक प्लेस में जाते हो वाईफाई से कनेक्ट करते हो, तुम एयरपोर्ट जा रहे हो रेलवे स्टेशन जा रहे हो वहाँ पे पब्लिक वाईफाई रहता है, उसके थ्रू तुम किसी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हो, फिर वही सेम फिशिंग लिंक विंक भेज के कर सकते हो, कोई ऐसा ऐप अपना बनाते हो उसके थ्रू कर सकते हो। सर अगर आपको डाउट हो किसी पे, आपके पास लीगल, आप एक गवर्नमेंट एजेंसी में है सिक्योरिटी एजेंसी में, और आपको किसी पे डाउट हो तो और आपके पास परमिशन है हैक करने की, तब आप किसी भी डिवाइस को हैक कर सकते हैं, जनरली परमिशन अगर है तो पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब साइबर सिक्योरिटी में अगर मैं करना चाहता हूँ तो एज अ सेकंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, तो पहले अपना बेसिक्स इंप्रूव करो, ठीक है, बेसिक्स मतलब नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छे से करो, डिटेल्ड वे में करो, उसके बाद फिर अगर तुम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो नेटवर्किंग अच्छे से करो, मटेरियल खुद से इकट्ठा करो, और देखो कुछ कुछ ऐसा चीज़ है सॉफ्टवेयर जो तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, जैसे काली लिनक्स हुआ, आर्च लिनक्स हुआ, और भी बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, अब तुम जैसे एनमैप वर्ब सूट ये सब का नाम अगर जान रहे हो ये सब चीज़ भी यूज़ होता है, फिर अपना हैंड्स ऑन मोड पे अच्छे से रखो, टूल्स यूज़ करो, टूल्स यूज़ करना सीखो, फिर तुमको सर्टिफिकेशन का जरूरत पड़ता है इस चीज़ में, तो सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट रहता है तो तुम कहीं से लो, इसी काउंसिल से लो या फिर एनसी का एनसी से एग्रीडेड है इसी काउंसिल, तुमको जिधर से भी लगे अपना करो और सर्टिफिकेशन लो, अपने आप को देखो जितना ऑब्वियस बात है ये चीज़ है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज़्यादा फायदा। तो जनरली कितना टाइम तक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने में लग सकता है, देखो मेहनत पे डिपेंड करता है, कोई आदमी अगर एकदम 24 घंटा नॉन स्टॉप दे रहा है तो उसको एक साल लगेगा, कोई आदमी वैसा होता है एकदम जीनियस अल्टीमेट जीनियस जो तुरंत कर रहा है काम तुरंत उसे हो रहा है तो सबको लगेगा 8 महीना, ऐसे जनरली देखो लगता है ऑन एन एवरेज 2-3 साल तो लगता है कि तुम एकदम एक्सपर्ट बन रहे हो,
मैं जॉब रेडी कब तक मैं सेकंड ईयर तुम सेकंड ईयर में तो फोर्थ ईयर गेम पे तुम इंटर हो परफेक्ट एंड फर्स्ट ईयर में तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इंटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी और सर अगर आपको जॉब जनरली मिडिल क्लास फैमिली की मेरे हिसाब से नेट वर्थ 2 करोड़ 3 करोड़ ज्यादा नहीं होती है आपका फर्स्ट एक साल का पैकेज ही लगा 1.2 करोड़ तो आपके फैमिली पेरेंट का क्या क्या रिएक्शन था फर्स्ट आप मीट किए थे वैसे भी हम बिहार से हैं ठीक है और हमारे साइड तुमको पता अगर नहीं है हमारे साइड ऐसा होता है कि बच्चा जैसे कमाना शुरू कर दिया तो बच्चा हो गया स्टेबल ठीक है और माँ बाप ऐसे चीज़ है कि तुम 1 करोड़ छोड़ो तुम अगर 1 लाख भी कमाना शुरू कर दोगे बहुत खुश रहेंगे वो हर जगह वो करेंगे कि हाँ मेरा बेटा ये कर रहा है वो कर रहा है उनको दिल से खुशी होगा वही सीन है कि ऑब्वियस ही बात है मेरी मम्मी बहुत प्यारी है भोली है खुशी होता है लेकिन जब आप बता होंगे अपने पापा को फर्स्ट टाइम कि 1.2 करोड़ का पैकेज बना ये एक बिहार या फिर इंडिया में किसी के लिए भी कार्पेट मिडिल क्लास फैमिली के लिए बड़ी फिगर है तो उस टाइम वो एक फील आ रहा होगा ना कि ऑब्वियसली बात है पापा ऐसे चीज होते हैं कि देखो उनके अंदर में लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन दिखाते नहीं है और अपने साइड और रहता है कि देखो भाई सीधा बात है अपने साइड ऐसा होता है कि हम लोग तो अपने पापा को हक करने में भी डरते हैं जो बैठ जाते हैं अपने लाइफ टाइम हम नहीं किए कभी तो सीन ये रहता है वो है कि अंदर से बहुत खुश रहे हैं ठीक है लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं और अच्छा करो और मेहनत करो ये करो वो करो लेकिन भैया मम्मी के आँख से आंसू आ जाता है खुशी का आंसू जैसे जनरली अगर हम अभी बिहार में सोचे तो लोग गवर्नमेंट जॉब पे ही फोकस है जैसे अगर अभी और बहुत सारे बच्चे बिहार के ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं होने के कारण या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन के कारण वो आर्मी या सब ये सब में जाती है क्योंकि वो ऑफिसर बन सकते हैं आर्मी के एनडीए भी दे सकते हैं लेकिन उनको जाना पड़ता है आर्मी जीडीए सब में क्यों क्योंकि पास मोटिवेशन नहीं होता जबकि वो अगर वो बेसिक जो अपने साइड लैक कर रहा है वो है एक्सपोजर ठीक है करेंट गाइडेंस ये लाइक है हर एक डोमेन हर एक फील्ड में यही सब लैक कर रहा है हम साइबर सिक्योरिटी में नहीं घुसते अगर हमको समय वो सीनियर नहीं मिलते ये फैक्ट है और जिस समय हम साइबर सिक्योरिटी में घुस भी रहे थे तो हमको बेसिक लग रहा था कि साइबर सिक्योरिटी पूरा होता है हैकिंग वैकिंग ये सब होता है इसके अलावा बहुत कुछ होता है ठीक है अपने साइड का सीन है कि करेक्ट गाइडेंस करेक्ट पाथवे अगर मिल जाता है किसी को अपना ये सिर्फ बिहार का बात नहीं है ये पूरे इंडिया में बता रहे हैं अगर करेक्ट गाइडेंस किसी को मिल जाता है वो अपने फील्ड में जिस भी जो भी उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वो एक्सेल करेगा भाई क्योंकि अगर वो एज आर्मी ऑफिसर जा रहे हैं वहाँ पे तो शायद उनके जगह पे कोई और रिप्लेसमेंट आ सकता है क्योंकि हर तरह के लोग मौजूद होते हैं बट लैक ऑफ गाइडेंस वो लोअर लेवल पे काम करते हैं तो इससे हमारी ऑब्वियसली सिस्टम अफेक्ट होती है थोड़ी बहुत बट जनरली ग्रुप डी के जितने भी नौकरी होती है उसमें ओवरऑल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलता पूरे लाइफ में और यहाँ पे एक ईयर का ही बन होता है आपका बेसिक सैलरी भी शायद 90 की है तो ये भी एक और एक डी ग्रुप के नौकरी के लिए पूरी इतना ही खत्म हो जाती है 1 करोड़ तक तो ये बहुत साइबर सिक्योरिटी सब ऐसा चीज है ना जैसे अगर तुम बग बाउंड्री पे आते हो ठीक है उसमें तुमको कोई ग्रेजुएट डिग्री मतलब ग्रेजुएशन का कोई जरूरत नहीं है बग बाउंड्री कोई भी कर सकता है तो मेरा तो सीधा यही मानना है किसी को कोई भी तुम्हारे वीडियो के थ्रू अगर कोई देख रहा है वैसा इंसान जिसको जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं है वो नॉर्मल बी ए बी एस सी कुछ ऐसा कर रहा है उसको भी अगर ऐसा हल्का सा इंटरेस्ट आया देखो सब कुछ ऑनलाइन प्रेजेंट है ठीक है तुम ऑनलाइन मटेरियल निकालो हर जगह से ढूंढो खुद से ट्राई करना सीखो एक बेसिक सा फोन और बेसिक सा लैपटॉप आज के ज़माने में कोई भी अफोर्ड कर पा रहा है ठीक है ये फैक्ट है तो वो लेके तुम अपना ट्राई करना शुरू करो बग बाउंड्री क्लियर करो जो भी हो जो भी जैसे भी पैसा कमा सकते हो जरूरी नहीं है साइबर ही किसी भी डोमेन में फ्रीलांसिंग पड़ा हुआ है बट का ये दिक्कत होती है कि वहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं और फल का वो अनसर्टेनिटी हाँ ये है कि अब ऑब्वियस ही बात तो वही है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको अपना टाइम देना पड़ेगा थैंक यू सर टाइम देने के लिए थैंक यू गाइस सर से मिलकर आपको कैसा लगा कमेंट करना और